हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरी हो रही है पैकिंग। तो हम लोगों की है यहाँ पे गांव जाने की तैयारी। और ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, तो ये वीडियो है 12 अप्रैल का। तो 12 अप्रैल की वीडियो है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गाँव जाने की तैयारी। तो मैंने आप लोग को बहुत पहले एक दिन वीडियो में बताया भी था कि हम लोगों को शादी में जाना है गाँव। तो यहाँ पे शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ये सुबह सुबह का वीडियो है, सुबह के करीब बज रहे होंगे यहाँ पे, 6 बज रहे होंगे, या तो पौने छः बजने का टाइम हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं गांव के लिए। और दोनों बच्चे नहीं आ रहे साथ में, बस हम लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो इसलिए बच्चे यहीं पे हैं और हम दोनों ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है, दो लोगों के कपड़े वगैरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दो बैग पर्स वगैरह मैंने दो कर रखे थे यार, क्योंकि एक में सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ दूसरे वाले पर्स में मैं डाल दूँगी, इसलिए दो दो पर्स मैंने कर रखे थे। तो अभी सुबह का टाइम था, बच्चे अभी सो ही रखे थे, बस सिद्धू उठ गया था। तो सिद्धू इसलिए उठा के हम लोग तैयार हो गए थे, बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो सिद्धू उठ गया। तो आज हम लोग गांव जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमें अप्रैल में शादी में जाना है। तो 13 तारीख कल मेहंदी है, आज है 12 अप्रैल। हाँ, आज 12 अप्रैल है, कल 13 अप्रैल को मेहंदी है, 14 को शादी है। तो एक हफ्ता तो लग ही जाएगा आने जाने के चक्कर में, 5-6 दिन। और हम बच्चे यहीं हैं, हम लोग जा रहे हैं दोनों। तो गांव जाके आपको वीडियो दिखाऊंगी पूरी की पूरी। चलते हैं गांव। तो यहाँ पे हम लोग जाने की तैयारी करने लगे हैं, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। और बस से हम लोग जाएंगे, क्योंकि 7 बजे वाली बस तो जाती है, उसी से हम सफ़र करेंगे आज का। तो बच्चे साथ में नहीं हैं, तो अपने आप ही दोनों हैं, तो बस से ही जा रहे हैं। और अच्छा भी रहता है उसमें, क्योंकि लंबा रूट है, तो एक बार बैठ जाओ तो पूरा, मतलब पूरे रास्ते तक ये गाड़ी बदलने का चक्कर नहीं रहता है। तो डायरेक्ट हम उसी बस में जाएंगे, अपने जहाँ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ तक वो बस जाएगी, वहाँ से हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे अपने घर के लिए। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं 7 बजे वाली बस के लिए, तो घर से 6:30 बजे निकल रहे हैं हम। तो लो जी, पहुँच चुके हैं हम अपने गाँव में, अपने घर के रास्ते। तो पूरे रास्ते आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, मैं आप लोगों को बताया था 7 बजे वाली हम लोगों की बस है। तो 7 बजे हम वहाँ से 7:30 बजे निकली बस, सवारी भरते भरते 7:30 बज चुके थे। और यहाँ पे टाइम हो रहा है करीब, अगर हम 7:30 बजे वहाँ से निकलते हैं तो 2 बजे 2:30 बजे तक गाँव पहुँचते हैं हम लोग। लेकिन आज का सफ़र कुछ ऐसा रहा कि 4 बज चुके हैं, काफ़ी मतलब नहीं होता है, सवारी के चक्कर में कुछ दिक्कतें रास्ते में बहुत आई हैं, तो इस वजह से हम 4 बजे पहुंच रहे हैं घर। और मैंने इनको कैमरा थमा दिया है यहाँ पे, मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि पूरे रास्ते कुछ भी नहीं दिखाया है, तो थोड़ा सा बना लो। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम अपने घर के आंगन में, साल भर के बाद पहुंची हूँ मैं आज अपने घर।
तो पिछले मई में घर गए थे हम लोग, और ये मई साल भर आने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दो डिब्बे हाथ में ले रखे हैं मैंने, तो इनमें खाना है। ये खाना आया है मेरे घर से, मेरे मायके से, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए खाना भी आ चुका है। क्योंकि मैं पहले भी जब मैंने आप लोग के साथ पिछले साल वीडियो वगैरह दिखाई है गाँव की, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरा मायके बहुत ही नज़दीक पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए खाना मेरे घर से आया था, मेरा भाई लेके आया था, तो वो भी आ रखा था मतलब साथ में हमारे, क्योंकि बैग भी था, तो थोड़ा उसने भी हेल्प कर ली थी लाते समय। खाना भी लाया था, माँ ने पैक करके दिया था। ये देखिए, ये मेरा भाई आ रखा है, और घर की हालत भी देख लीजिए आप, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी आना नहीं होता है, बच्चे नहीं छोड़े जाते हैं। तो इस बार फर्स्ट बार मैंने बच्चों को पहली बार छोड़ के आई हूँ, और चलिए इसके बाद मैं आपको और गांव की वीडियो दिखाती रहूँगी।